ये ही वो स्कूल था मुंबई का जहाँ ऑडिशन हुआ है। ये सीन आप आगे देखो वीडियो में। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। एंड आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जब मैं इंडियन आइडल ऑडिशन में गया था। एंड काफ़ी पुराना वीडियो है एंड कि एक्चुअली में इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि मतलब लाइनिंग लगती है और कितने नंबर से स्टार्टिंग होता है और कैसे सिलेक्शन अंदर ले जाके सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, सो आगे वीडियो देखिए। सो यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा इंडियन आइडल का, मुंबई का जो लाइनिंग था। और यहाँ से लाइन लगे हुए थे। एंड पता क्या है कि लाइन जब लगते हैं ना तो काफ़ी सारे बच्चे पहले से मतलब अंदर ही होते हैं, जो कि इन लोगों का पहले से ही मतलब सिस्टम होता है। ये लोग जो जिनके जान पहचान होते हैं बॉलीवुड में या जिन किसी के रिश्तेदार हो, भाई हो, उन लोगों को पहले से अंदर रखे होते हैं। उनका ऑडिशन पहले से ही होता है अलग से, और हम लोगों को मतलब उनके बाद स्टार्टिंग किया जाता है लाइन को। यहाँ से लाइन स्टार्टिंग होता है, एक एक करके अंदर लेके जाया जाता है। वहाँ पर फॉर्म फिल होता है, और फॉर्म फिल होने का भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि फॉर्म कैसे फिल होता है। ये हमारे इन लोगों को रखा जाता है ताकि कोई बच्चा ज़बरदस्ती करके आगे ना जाइए, जिसको अनसिलेक्ट कर दिया जाए वो मतलब डिस्टर्ब ना करे, मतलब बार बार अंदर को ना आए, इसलिए बॉडीगार्ड लोगों को भी रखा जाता है यहाँ पे। एंड गाइस, ये जो ऑडिशन होता है ये मुंबई में होता है और दिल्ली में होता है, कोलकाता में होता है। जो मेन ऑडिशन अगर आपको देना है तो वो कहाँ होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो एक्चुअल में जहाँ सिलेक्शन होता है वो दूसरे जगह का ऑडिशन है। अच्छा, इन लोग का उधर लाइन लग रहा है ना। सही है यार, थैंक यू, आपने बचाया। थैंक यू सो मच। इंडियन आइडल का टिकट चाहिए थे। ये बोल दिया।